हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा ये एलजी कंपनी का सीआरटी टीवी का एक चैसिस। तो दोस्तों ये 14 इंची टीवी का अंदर ये चैसिस था, और ये दोस्तों मेरा एक व्यूअर्स ये चैसिस को मेरा पास भेजा है। ये चैसिस का जो नंबर है ये आप एक बार देख सकते हो, CP79A। ठीक है, ये जो चैसिस नंबर है ये स्टिकर नीचे लिखा है। ठीक है कि वो बात है कि ये पीसीबी का अंदर पिक्चर नहीं आ रहा है, हो सकता है लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए वोल्टेज चेक करने के बाद थोड़ा सा पता चल जाएगा, इसीलिए पीसीबी को मैं सेट किया, बेसबोर्ड को थोड़ा दूर में रखा हूँ। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है, और ESD जो फाइनल एनोड है ये फाइनल एनोड को थोड़ा सा दूर में रखा हूँ। अभी एक बार सप्लाई देकर देखना पड़ेगा कि इसका अंदर क्या कंडीशन है। तो पीसीबी का नेगेटिव मैं यहाँ पर कनेक्ट किया और मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। ठीक है, और फर्स्ट टाइम मैं सीरीज लाइन से सप्लाई देके देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया और पीसीबी का अंदर लाइन नहीं आ रहा है, हो सकता है इसका पावर स्विच ऑफ है। चलिए देखिए दोस्तों, पावर स्विच दे दिया, देने के बाद इसका इंडिकेटर जल रहा है, और इसी कंडीशन पर ESD बन रहा है कि नहीं सब कुछ देखना पड़ेगा। फर्स्ट ESD सप्लाई देखना पड़ेगा कि ESD सप्लाई अभी 129 वोल्ट है। तो दोस्तों ये 110 वोल्ट का सेट है, यहाँ पर 129 वोल्ट बन रहा है। तो ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये 180 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, वर्टिकल सप्लाई बन रहा है कि नहीं ये वो दोस्तों माइनस वोल्ट, वर्टिकल माइनस वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। और प्लस सप्लाई जो वर्टिकल का प्लस सप्लाई होता है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। और डाइवर सप्लाई कितना है, चलिए दोस्तों डाइवर सप्लाई ESD सप्लाई सेम जैसा आ रहा है। इसका दोनों साइड देखना पड़ेगा, इसका दोनों साइड भी वोल्टेज है, जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसका अंदर भी वोल्टेज सेम है। तो मतलब ESD नहीं बन रहा है। ठीक है, तो रेगुलेटर सेक्शन इसका अंदर तीनों मेन सप्लाई होता है, आउटपुट सप्लाई जो चॉपर से आउटपुट होता है। दोस्तों ये दोस्तों ESD सप्लाई 129। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो सप्लाई आ रहा है ये 10 वोल्ट सप्लाई की, ये रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई जो ये रेगुलेटर सेक्शन का अंदर इनपुट होता है। यहाँ पर 4 पिन का एक रेगुलेटर IC है, यहाँ पर भी सप्लाई प्रेजेंट है, और इसका आउटपुट ये जो पॉइंट है यहाँ से आउटपुट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। 9 वोल्ट होगा तो 9 वोल्ट, 8 वोल्ट होगा तो 8 वोल्ट। तो दोस्तों 9 वोल्ट का रेगुलेटर है, यहाँ से 9 वोल्ट भी आउटपुट हो रहा है। और दोस्तों RXS सप्लाई यहाँ पर जो दोस्तों ये 30 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। ठीक है, जो दोस्तों ये साउंड IC का ये सप्लाई है, तो इसका आउटपुट सब वोल्टेज बराबर है। यहाँ पर एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट भी आउटपुट हो रहा है, और दोस्तों इसका मिडिल पिन नेगेटिव है, और इसका इनपुट पिन पर 7.7 वोल्ट इनपुट हो रहा है। मतलब इसका रेगुलेटर सेक्शन भी ओके है, ये स्टैंड बाई से ऑन है, तब ये जो 7 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन होने के बाद ये जो IC का 2 नंबर पिन पर एक सप्लाई आना चाहिए जो 5 वोल्ट होता है, ये 5 वोल्ट भी प्रेजेंट है। और दोस्तों 3 नंबर पिन का अंदर 8 वोल्ट और 9 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, ये भी ओके है। मतलब दोस्तों ये स्टैंड बाई से ऑन है, तब भी ये ESD ऑन नहीं है, क्योंकि ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर अभी स्विचिंग नहीं हो रहा है। तो स्विचिंग होने के बाद ये जो वोल्टेज दोस्तों डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये 110 वोल्ट का सेट है, तब भी 110 वोल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्विचिंग नहीं हो रहा है इसलिए। तो चलिए एक बार बॉटम स्विच दबाने के बाद मैं देखता हूँ, बॉटम स्विच दबाया, दबाने के बाद इसका ESD सप्लाई अभी
107 हो गया। इसका डाइवर सप्लाई अभी 107 हो गया, इधर साइड भी 107 होना चाहिए। ड्राइवर ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन ये भी सेम है, पर दोस्तों तब भी ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर स्विचिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो बेस पिन है ड्राइवर ट्रांजिस्टर का, बेस पिन का अंदर सिग्नल नहीं आ रहा है। 0.4 वोल्ट के आसपास यहाँ पर सिग्नल आना चाहिए, तो ये लाइन का एक बार ट्रेस करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये लाइन का अंदर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है, तो ये कहाँ से आता है? तो दोस्तों ये आईसी का ये नीचे से काउंट करेगा, तो इसका 9 नंबर पिन से एच आउट सिग्नल निकलता है, यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए दोबारा इसका रेगुलेटर सेक्शन का 9 वोल्ट सप्लाई देखना पड़ेगा कि दोस्तों इसका 9 वोल्ट आउटपुट अभी नहीं हो रहा है, ये बंद हो गया। इसका अंदर जो 5 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए ये भी नहीं हो रहा है। मतलब दोस्तों इसी कंडीशन पर ये से स्टैंड बाई मोड पर है। स्टैंड बाई ऑन करने के बाद चलिए मैं देखता हूँ दोबारा, पहले स्टैंड बाई ऑन ही था, फिर भी स्टैंड बाई ऑन किया। ऑन करने के बाद ये रेगुलेटर आईसी का 9 नंबर पिन पर जो वोल्टेज आना चाहिए दोस्तों, तब भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। स्विच को पुश किया, मेनू बटन को पुश किया, पुश करने के बाद तब भी दोस्तों इसका अंदर 9 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या लग रहा है? चलिए मैं सप्लाई को दोबारा ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद इसका इंडिकेटर आई भी ऑन है, तो ये जब ऑफ हो जाएगा मैं दोबारा सप्लाई देके एक बार देखूँगा। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद यहाँ पर देखूँगा कि 9 वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों 9 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, और ये 184 लाइन का अंदर कौन सा लाइन है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पर कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। और ड्राइवर सप्लाई ये 128 वोल्ट है, ये बेस पिन पर कुछ भी सिग्नल नहीं आ रहा है, और एआईसी का 9 नंबर पिन जो एच आउट सिग्नल होता है, ये एच आउट लाइन का अंदर वोल्टेज देखिए 4.9 वोल्ट प्रेजेंट है अभी, ठीक है, इसी तरह वोल्टेज इसका अंदर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर 0.4 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है ये लाइन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये लाइन का अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए आईसी का फिर भी 9 नंबर पिन पर चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज ओके है, तो ज़रूर ये ड्राइवर लाइन का अंदर कुछ फॉल्ट है। तो चलिए ये लाइन को फिर भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, तो दोस्तों कैपेसिटर का ये साइड 5 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ये कैपेसिटर भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ से कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर आपको अच्छा करके जो देखना पड़ेगा कि एच आउट जो लाइन है ये आईसी का 9 नंबर पिन से, मतलब नीचे से 9 नंबर पिन से एक कनेक्ट रहता है यहाँ पर, और बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को देखना पड़ेगा। और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी खुद फॉल्ट हो सकता है, और दोस्तों ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का पास एक जेनर डायोड है, ये भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चेंज करने का पहले आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी है इसका अंदर दोस्तों पावर सेक्शन का अंदर एक छोटा सा एसटीआर है, और इसका ईएसटी नंबर कुछ भी नहीं है, इसका ईएसटी का स्टिकर अभी नहीं है, बट ये जो स्टिकर है इसका अंदर नंबर नहीं है। और यहाँ पर देखिए 1, 2 ये 3 रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। तो और क्या बताऊँगा कि दोस्तों इसका अंदर जो वर्टिकल आईसी है ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वर्टिकल आईसी हीट सिंक का अंदर है,
तो चलिए एक बार देखूंगा कि जो ड्राइवर सप्लाई लाइन है उसका जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन का अंदर सिग्नल क्यों नहीं जा रहा है वो आपको देखूंगा। और उसका पहले ESC का हालत देखिए कि ये टेप है, टेपिंग है, तो हो सकता है कि इसका अंदर फायरिंग ESC जब ऑन हो जाएगा फायरिंग भी आ सकता है। जब फायरिंग आ जाएगा तो दोस्तों फायरिंग का वजह और अलग कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन ESC को चेंज करूँगा। और दोस्तों इसका ESC नंबर इसका ऊपर लिखा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर ESC लगाना पड़ेगा चलिए मैं आपको एक ESC लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इसी टाइम ये ESC को मैं बाहर कर दिया, यहाँ से ESC पिन को पिन कर दिया पूरा, ठीक है। ESC को बाहर करने के बाद एक बार इसी तरह सप्लाई देके एक बार देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है। चलिए मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर ऑन है। अभी ESC पिन पर कितना सप्लाई आ रहा है देखिए, 129। ड्राइवर पर कितना वोल्ट आ रहा है, 129, ठीक है। और बेस पिन पर कुछ भी सिग्नल नहीं है। और इसका HOUT पिन ये जो है IC से इसका वोल्टेज निकल रहा है 4.9। तो दोस्तों तब भी आपको जो बताया अभी एक बार देखना पड़ेगा मेमोरी का अंदर वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये मेमोरी IC का 8 नंबर पिन यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है और इसका बाद ये नेगेटिव है। और उसका बाद दोस्तों ये SCL पिन है, SCL पिन का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और दोस्तों ये SDA पिन है, दोस्तों SCL और SDA दोनों पिन का अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं है ये लाइन का एक बार चेक करना पड़ेगा, IC के पास भी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों IC का ये नीचे से ये लास्ट नंबर मतलब ये 36 नंबर ये नीचे से 2 और 3, ठीक है, नीचे से 2 और 3 मतलब ये 33, ये 34 नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और 35 नंबर पिन पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो और क्या देखना पड़ेगा, मेमोरी सप्लाई ओनली ओके है, ठीक है, मेमोरी सप्लाई ओके है। तो इसी तरह प्रॉब्लम को चेक करने के लिए चलिए दोबारा सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने का बाद एक बार देखना पड़ेगा कि कभी कभी ये वोल्टेज ड्रॉप होने का जो रीजन है मेमोरी SCL SD कि IC भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, ये IC भी शॉर्ट हो सकता है। और ये सिग्नल लाइन ट्यूनर का साथ कनेक्टेड रहता है दोस्तों, ये SCL और ये SDA, ठीक है, ये दोनों पिन का अंदर दोस्तों ये ट्यूनर शॉर्ट होने का रीजन से भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो एक बार देखना पड़ेगा IC के ये दो और तीन नंबर नीचे से पिन को ओपन करने के बाद, ये दो पिन को ओपन करने के बाद देखना पड़ेगा कि वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, कौन सा पिन पर आ रहा है एक बार देखना पड़ेगा। इसका साथ ट्यूनर का दोनों पिन को भी मैं ओपन कर दूँगा, ओपन करके मैं देखूँगा कि कहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों अभी ये वीडियो के अंदर अभी इसी टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि दोस्तों ESC तो अभी इसका ओपन है और मेमोरी IC का जो SCL SDA पिन का अंदर सप्लाई मिसिंग था, ठीक है। तो ये SCL SDA पिन का अंदर सप्लाई को चेक करने के लिए IC का ये जो सेकेंड और थर्ड नंबर नीचे से ये दो पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हो। इसका साथ SCL और SDA ट्यूनर का जो पिन है, तो चलिए ये तो दोस्तों मैं गलती से ये ट्यूनर का एक पिन को ओपन किया तो दोस्तों ये दूसरा अलग पिन है और दोस्तों इसका SCL और SDA ये पिन है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार अभी इसी टाइम वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि मेमोरी का अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसका साथ मैं आपको जो फर्स्ट टाइम बताया कि ड्राइवर ट्रांजिस्टर का ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसका एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक अलग सा ड्राइवर ट्रांजिस्टर में लगाया, आप देख सकते हो, ठीक है, अभी इसका टांग को मैं नहीं काटा। और आपको बताया कि इसी तरह वोल्टेज आने के बाद भी ये स्विचिंग नहीं हो रहा है तो ये भी फॉल्ट हो सकता है, इसका अंदर ये डायोड भी फॉल्ट हो सकता है और इसका अंदर ये लाइन जा रहा है, ये पर एक कैपेसिटर ये भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए अभी इसी टाइम क्या कंडीशन है,
ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली मेमोरी ओपन करने का बाद भी सप्लाई देने का बाद दोस्तों बहुत सेट का अंदर कि ये ड्राइवर सेक्शन ओके होने का ओके जब होगा तो ESD भी मान जाता है। तो इसी कंडीशन पर तो दोस्तों ESD मैं नहीं लगाया बट ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगाया, मेमोरी का ये जो SLSD पिन का साथ ये दो पिन को ओपन कर दिया प्रोसेसर IC का। तो अभी एक बार सप्लाई देके आपको देखाऊंगा कि क्या कंडीशन है। सप्लाई दे देता हूँ, देखिए सप्लाई दे दिया, इंडिकेटर जल रहा है। अभी ESD सप्लाई कितना है ये देखिए 120 वोल्ट। अभी ESD ओपन है, ड्राइवर पर सप्लाई अभी देखिए 44 वोल्ट हो गया, 44.9, ठीक है 44, 45, ठीक है 45 वोल्ट हो गया, ठीक है ये भी 45 वोल्ट हो गया। तो मतलब ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर सिग्नल आ रहा है 0.4 वोल्ट जो आपको पहले बताया, इसी कंडीशन पर तो दोस्तों इसका ESD बनना चाहिए, इसका ESD अभी ओपन है तो ये तो रेडी होगी ये साइड। अभी देखना पड़ेगा कि मेमोरी IC का अंदर जो SLSD पिन का अंदर वोल्टेज देखिए 3.2 वोल्ट बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 3.23 वोल्ट बन रहा है, मतलब मेमोरी IC का पास भी वोल्टेज बन रहा है। और ये IC का जो पिन को मैं ओपन किया, IC से IC का अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों IC पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है IC पिन पर आपको टच करके देखना पड़ेगा, IC पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो ठीक है। ट्यूनर पिन पर वोल्टेज दोस्तों ये जो ट्यूनर पिन है यहाँ पर वोल्टेज अभी 3.2 वोल्ट है, मैं ये फाइल लाइन के साथ टच करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ठीक है चलिए मैं सप्लाई दोबारा ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको जो बताना चाहता हूँ कि प्रोसेसर IC का दोनों पिन SLSD पिन ओपन करने के बाद इसका वोल्टेज सही हो गया। दोबारा ये दो पिन को मैं सोल्डरिंग करके देखूंगा कि वोल्टेज दोबारा बन रहा है कि नहीं, और यहाँ पर जो एच आउट सिग्नल वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आपका सामने लाइव एक बार करके देखता हूँ। सप्लाई तो मैं ऑफ कर दिया, तो दोस्तों दोनों पिन को मैं सोल्डरिंग कर दिया, ये जो SCL और SDA पिन है। तो अभी एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि मेमोरी का पास वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया। अभी ये ट्यूनर पिन पर देखिए दोस्तों वोल्टेज गायब हो गया, ठीक है ये ट्यूनर पिन पर वोल्टेज गायब हो गया और इसका सप्लाई वोल्ट भी 3.3 वोल्ट ओके है। तो ये प्रोसेसर IC का पिन SLSD पिन कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज गायब हो गया। अभी ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर देखिए 0.4 वोल्ट इसका सिग्नल आ रहा है, मतलब ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर स्विचिंग हो रहा है। और ये देखिए ये जो 100 ESD सप्लाई जो वोल्टेज पहले था 120 वोल्ट, ये सेम वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा था, अभी दोस्तों ये वोल्टेज डाउन हो गया क्योंकि ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर स्विचिंग के बजाय यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि SLSD पिन प्रॉब्लम के बजाय भी इसका तो दोस्तों आउटपुट फॉल्ट नहीं था बट इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर अलग सा फॉल्ट था। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ये ESD प्रोसेसिंग जो सिस्टम है ये बन रहा है। तो अभी एक बार न्यू ESD लगा के देखूंगा कि ESD बन रहा है कि नहीं, उसके बाद ये SLSD पिन का जो वोल्टेज डाउन है मतलब जीरो हो गया, तो इसका रीजन क्या है और यहाँ से क्या फॉल्ट आ सकता है आपको ये वीडियो के अंदर देखूंगा। चलिए फर्स्ट ESD लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये चैसिस का अंदर मैं जो ESD यूज़ कर रहा हूँ आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए BSC 25N1682, ठीक है 1682 का ये ESD यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पूरा न्यू ESD है और अभी भी मैं सोल्डरिंग नहीं किया। तो आपका एक बार बताना चाहता हूँ कि कुछ भी ESD चेंज करने का पहले
कि ESD का अंदर ये जो पिन कनेक्शन होता है, आपको सभी पिन कनेक्शन देख के एक बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आप खुद ही देखिए कि इसका अंदर कुछ भी नंबर नहीं है, ठीक है। ये जो इसका अंदर स्टिकर है, इसका अंदर नंबर नहीं है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन देखिए, ये दोस्तों प्लस सप्लाई का और दोस्तों इसका आउटपुट का, ठीक है। ये दोनों इसका कनेक्शन है। और दोस्तों इसका वर्टिकल प्लस सप्लाई माइनस सप्लाई 200 वोल्ट और GND एक साथ कनेक्शन है। और ये ओपन पिन है। और दोस्तों ये 28 वोल्ट है, ये पिन का साथ ये सब पिन एक साथ कनेक्शन है। अभी दोस्तों इसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि मैं ESD तो मैं कनेक्ट कर दिया, न्यू ESD लगाया, आप देख सकते हो। और ESD के आपको थोड़ा सा दूर में रखा हूँ, बेसबोर्ड को थोड़ा सा दूर में रखा हूँ, ठीक है। तो अभी एक बार सप्लाई देख के देखना पड़ेगा कि ESD बन रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हैं इंडिकेटर ऑन है और ESD सप्लाई ये 120 वोल्ट है और इसका आउटपुट 119 वोल्ट है। इसका डाइवर 44 वोल्ट है, ठीक है। ये जो डाइवर फाइनली दोस्तों EPCB का ESD तो मैं चेंज किया। और उसके बाद आपको बात है कि ये IC एक बार चेंज करके देखूँगा कि क्योंकि इसका ACL और HDI वोल्टेज प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर कौन सा IC यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों IC नंबर फर्स्ट आपको तो दिखाया और बताया, तो यहाँ पर जो IC सेम नंबर का ही है, कौन सा IC है, TDA TP1 05 PS/N3/3। और दोस्तों ये AF, चलिए मैं AF7, ठीक है, यहाँ पर लिखा है AF7, तो सेम नंबर का ही IC लगाया। पर दोस्तों ये IC का ऊपर मैं लिख के रखा हूँ, आप यहाँ पर कौन कौन IC यूज़ कर सकते हो। इसका लास्ट नंबर AN4 आप यूज़ कर सकते हो और AE7 लास्ट नंबर, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं और बताना चाहता हूँ, इसका जो मेमोरी IC है 24C16 वाला, इसका मेमोरी IC मैं इसका चेंज कर दिया, ठीक है। तो चेंज करने के बाद आपको एक बार सप्लाई देख के देखूँगा कि दोस्तों मेमोरी IC को मैं क्यों चेंज किया। मैं इसका प्रोसेसर IC लगाने के बाद मैं एक बार सप्लाई देख के देखा कि सेट स्टैंडबाय से ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है, स्टैंडबाय से ऑन नहीं हो रहा था। और ये जो रेगुलेटर IC से यहाँ से जो 9 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए और ये जो 9 वोल्ट यहाँ पर IC के पास आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा था। और ये IC से जो 5 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा था। इसीलिए दोस्तों मेमोरी को मैं चेंज कर दिया। मेमोरी चेंज करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि इसका जो ये स्टैंडबाय से ऑन होता है कि नहीं और ESD बनता है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मीटर को मैं सेट कर देता हूँ 200 DC रेंज पर मैं सेट कर लिया, ठीक है। और चलिए मैं दोबारा सप्लाई देख के दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद दोस्तों ESD बन रहा है क्योंकि ये 180 वोल्ट लाइन का अंदर अभी वोल्टेज देखिए 94.3 वोल्ट है। क्योंकि दोस्तों ये कॉइल ओपन है, ये कॉइल लगाने के बाद ये वोल्टेज तब बढ़ेगा। इसका ESD सप्लाई आपको दिखाना चाहता हूँ, 110 परफेक्ट हो गया। दोस्तों मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। और ड्राइवर सप्लाई पर अभी वोल्टेज 37 वोल्ट है, ठीक है, ये भी कुछ भी मैं छेड़छाड़ नहीं किया। और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर अभी इसी टाइम दोस्तों 0.4 वोल्ट आना चाहिए, तो ये एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ये वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो चलिए वो बाद में मैं देखूँगा। बट ESD बन रहा है और उसका साथ वर्टिकल सप्लाई बनना चाहिए, तो वर्टिकल सप्लाई प्लस 14 वोल्ट ये भी बन रहा है। और माइनस सप्लाई एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों माइनस 14 वोल्ट ये भी बन रहा है, ठीक है। और अभी HCL और HDI वोल्टेज, दोस्तों चलिए बिजली चला गया और क्या करना पड़ेगा। तो HCL आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे चेंज करने के बाद इसका HCL और HDI वोल्टेज ये भी बन रहा है, ठीक है। तो एक बार पिक्चर ट्यूब पर सर लगा के देखना पड़ेगा कि इसका पिक्चर सही बन रहा है कि नहीं। चलिए मैं फाइनली दोस्तों ये चैसिस को मैं अलग से पिक्चर ट्यूब के अंदर लगाया, आप देख सकते हो। और लगाने के बाद चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सेट का अंदर लाइट आता है कि नहीं, पिक्चर आता है कि नहीं, ठीक है, ये सब चेक करना पड़ेगा।
तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका लाइट आ रहा है, बट फिर भी दोस्तों बिजली चला गया। तो चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों बिजली आ गया, तो दोस्तों उसी टाइम मैं सप्लाई देकर एक बार चेक करके देखा कि दोस्तों इसका 180 वोल्ट ये जो पॉइंट है यहाँ पर था और बेसबोर्ड पर नहीं जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से मैं वायर उठा के ये इसका लाइन को काट करके उधर से मैं इसको जम्पर करके और ये लाइन का अंदर कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद भी दोस्तों आर एक्स प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए मैं सप्लाई देकर दिखाता हूँ कि इसका जो ओरिजिनल स्नो आना चाहिए, ओएसडी आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। इसी तरह ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख सकते हो। और हल्का सा रिक्टेस लाइन भी है, ठीक है, ये हल्का सा रिक्टेस लाइन भी है। तो वोल्टेज चेक करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 184 लाइन है, यहाँ पर वोल्टेज 165 वोल्ट है, क्योंकि दोस्तों वोल्टेज कम हो सकता है क्योंकि इसका ये कॉइल अलग है और बेसबोर्ड पर यहाँ पर वोल्टेज भी जा रहा है, 165 वोल्ट आ रहा है। और जब मैं तीनों कैथोड पिन वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो ये कैथोड पिन का अंदर वोल्टेज 96 इसी तरह कुछ वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। और ये जी टू का नीचे आर एक्सा कैथोड पिन है जिसका अंदर वोल्टेज बराबर है 93.4 इस तरह वोल्टेज है। और लास्ट में ये जो कैथोड पिन है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज 2.7 है, ठीक है। ये इसका फॉल्ट है, क्यों फॉल्ट है तो ये बेसबोर्ड का अच्छा करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके मैं देखता हूँ। फाइनल दोस्तों जब मैं अच्छा करके देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत हाई हो गया। दोस्तों यहाँ पर 22K का रेजिस्टेंस था, इसका वैल्यू चेंज हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक 22K का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक 22K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आप यहाँ पर भी 22K का रेजिस्टेंस था, तो मेरा पास अभी 22K नहीं है, मेरा पास 15K है। मैं 15K एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया। दोस्तों ये रेजिस्टेंस क्यों शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ये जो 2330 का ये जो ट्रांजिस्टर है, इसका अंदर दोनों 2330 का ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर सप्लाई आता है, ठीक है। वो सप्लाई दोस्तों ये ट्रांजिस्टर के पास आने के बाद ये सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा, तो इसी का रीजन से ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होने के बाद भी कट जाता है और हाई भी हो जाता है। तो इसी कंडीशन पर ये हाई हो गया, इसलिए इसका अंदर ये तीनों ट्रांजिस्टर को एट अ टाइम में चेंज कर दिया। और ये जो ट्रांजिस्टर, इसका वैल्यू 421 का है, ठीक है, 421। ये ट्रांजिस्टर, तीनों ट्रांजिस्टर को मैं चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करने के बाद चलिए मैं एक बार पिक्चर ट्यूब को अंदर लगाऊंगा, लगाने के बाद देखूंगा कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो दोस्तों अभी भी वीडियो बनाने का समय और इसका ये अभी बिजली चला गया, फिर भी बिजली चला गया तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत बार बिजली चला जा रहा है अभी इसी टाइम, तो क्या करना पड़ेगा। तो बिजली आने के बाद आपको सप्लाई देके देखूंगा, अभी इसी टाइम इसका बेसबोर्ड में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।